Audio Jungle. नमस्कार, एबी न्यूज़ की टीम इस समय जनपद महाराजगंज के श्याम देवरुआ परतावल क्षेत्र में है, जहां पे आप देख सकते हैं यह गेहूं क्रय केंद्र है। इस क्रय केंद्र पर किस तरीके से गेहूं का भंडारण किया गया है आप देखिए, हमारी टीम के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है। गेहूं पूरी तरीके से ख़राब होने की स्थिति में पहुँच गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या होगा इसका, ये जिस भी किसान का रहा हो उसका तो बाद ही पता चलेगा। लेकिन आइए हम यहाँ के जो केंद्र के प्रभारी हैं प्रेम कुमारी जी, हम लोग इनसे जानना चाहते हैं। मैम बताएं, ये किस किसान का है? दीनानाथ जी। तो अब तो ये स्क्रैप हो गया है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब बोरे का भाव में खरीद नहीं हो रहा था, बोरा आया, बोरा तब तौल होगा, यानी इससे तौल तो होगा, ये बात का विषय है। अभी जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा? अब ढकवाया गया था, जना व्यवस्था था, ढकवाया गया था। अब बोरा नहीं था तो क्या किया जाए। दीनानाथ किस गांव के किसान हैं? मोहम्मद। उनका नंबर मिल जाएगा ना आपके माध्यम से? मिल जाएगा। कुछ और इसको इस संबंध में बताना है? आप भी कौन जी बताएं, कुछ बताना चाह रहे हैं आप ही का वेट हो रहा था, आप अकाउंटेंट है। हमारा वेट नहीं हो रहा है मैम, तो आप ही को बता रही हैं। इनका हो रहा है। कौन है? कहाँ गए तिवारी जी? कहाँ खड़े हैं तिवारी जी? उनका हो रहा है। आप अकाउंटेंट हैं? हाँ। तो बताइए, आप ही का नाम जा रहा था। क्या बताऊँ, बताइए। मतलब इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? प्रभारी जी तो बोल रहे हैं कि अब देखा जाएगा, समझा जाएगा। हाँ तो क्या कर रही हैं, ठीक है कह रही हैं। बोरा नहीं था, बोरे का अभाव में खरीद बंद था। अब ला के अपने मन से लोग रख दे रहे हैं, बताइए तो क्या किया जाए। बारिश हो रहा तो कोई क्या करेगा, हमारा जो समंदर है हमारा तो सुरक्षित है। चलिए, ये रही जो यहाँ की केंद्र की प्रभारी हैं, इनका कहना है कि लोग जबरदस्ती ला कर रख के चले जा रहे हैं, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं करें मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब के नहीं। अगर यहाँ चपरासी कर रहा है। हाँ बताइए, आप कौन है यहाँ के? काशकार हैं। अच्छा, हाँ बताएं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जैसे हम ले आकर रख दिए, रखे हैं, बोरा नहीं था। वहाँ पर अधिकारी आए जो वहाँ नंबर दिए हैं, वो आकर कहे कि बोरा का वहाँ रेबुल है, ये गई बोरा लेने के लिए, बोरा मिला ही नहीं वहाँ से, वहाँ घूम कर चली गई, फिर एक दिन दो दिन रुकी, फिर गई, किसी तरह से बोरा ये गाठ आया है, वह तौल हम लोग को हो रहा है। चलिए, ये एक किसान ने इस संबंध में सूचना दी है। जो भी लापरवाही है, जिस स्तर से भी, जहाँ से भी हुई है, यह कहीं से भी इसको सही नहीं माना जा सकता है। मैं चाहूँगा कि इस पर अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं आकर के इसका संज्ञान लें, ताकि इस बर्बादी को रोका जा सके। धन्यवाद।